हेलो जी, मेरा नाम है सी ए प्रिंस खुराना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। देखो, एलिजिबल असेसी एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन, सेक्शन 80 TTA प्रोवाइड्स दैट इन केस द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल या HUF इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अ सेविंग अकाउंट नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट्स, मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए। डिडक्शन अप टू 10,000 इन एग्रीगेट शैल बी अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ सच असेसी। इसका मतलब क्या है, आपका जैसे सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो उस पर आपने जो भी पैसे रखे हुए हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, उसकी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी, बट अप टू 10,000 रुपीज़। अब इसको समझेंगे कैसे कि आपको सेविंग अकाउंट पे सपोज कीजिए 5,000 आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा पहले, तो फिर बाद में आपको उसी 5,000 की 80 TTA में डिडक्शन मिल जाएगी जो कि आपका टैक्स सेव करेगा। सच डिडक्शन शैल बी अलाउड इन केस द सेविंग अकाउंट इज़ मेंटेन्ड विद, सेविंग अकाउंट अगर आपका बैंक में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है या फिर पोस्ट ऑफिस में है, ठीक है। अभी तक क्या समझा, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है आपको उस पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो पहले आपकी इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा, फिर आपका डिडक्शन में आएगा 80 TTA में अप टू 10,000 रुपीज़ इन एग्रीगेट। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड हाउएवर नॉट बी अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। क्या बोलता है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपको 80 TTB में डिडक्शन मिल रही है, तो आपको 80 TTA में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म एंड AOP BOI नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म और एनी मेंबर ऑफ द AOP और एनी इंडिविजुअल ऑफ द BOI। ओहो, इतनी सारी इंग्लिश। देखो, ऐसा है, अगर कोई AOP BOI है या कोई फर्म है, ठीक है, AOP BOI का क्या होगा, मेंबर होगा, फर्म का क्या होगा, पार्टनर होगा, जब इनकी इंडिविजुअल इनकम कैलकुलेट होगी तो इनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर इनको सेविंग अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकी इनकम में तो ऐड हो जाएगा, बट इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इस ये बोला इन्होंने। अगर AOP BOI है या फर्म है, AOP BOI या फर्म के मेंबर या पार्टनर को नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, जब क्या कंप्यूट करेंगे उनकी टोटल इनकम। इन फैक्ट द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ड्राइव्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग बैंक डिपॉजिट अदर दैन टाइम डिपॉजिट मेड बाई इंडिविजुअल। मतलब क्या है, सीधा सीधा सिर्फ इंडिविजुअल को या HUF को जो है इस सेक्शन की डिडक्शन मिल जाएगी।